एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को फटकार लगी। ये फटकार लगी क्योंकि एसबीआई तय समय के भीतर अल्फा न्यूमेरिक कोड पर डेटा कोर्ट के साथ साझा नहीं कर पाई। दरअसल ये वो कोड है जिससे सियासी पार्टियों की सारी पोल खुल सकती है, क्योंकि किस पार्टी को कुल कितना चंदा मिला ये तो सामने आ गया, लेकिन किसका दिया चंदा किस पार्टी के खाते में गया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आदेश का पालन न कर पाने पर एसबीआई की दलील भी बड़ी दिलचस्प रही। एसबीआई ने दलील दी, हम नहीं समझ पाए कि कोर्ट ने हमसे क्या जानकारियां मांगी। इसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आदेश पर अमल के लिए 21 मार्च की नई तारीख दी और साथ ही एक एफिडेविट भी मांगा जिसमें लिखा हो कि एसबीआई ने कोई जानकारी नहीं छिपाई। देखिए चुनावी साल में कैसे छिड़ा है बॉन्ड पर बवाल। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है किसको कितना मिला। ये सच सामने आते ही भूचाल आने वाला है देश के अंदर। भ्रष्टाचार से बनी हुई पार्टी, भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाली पार्टी और भ्रष्टाचारियों के लिए काम करने वाली पार्टी। आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। चुनावी चंदे पर सुप्रीम फटका, पार्टी फंड पर कानूनी तलवार। किसको किससे कितना मिला, सुप्रीम कोर्ट में पाई पाई का हिसाब खुला। चुनाव से पहले आई विपदा भारी, कानूनी घेरे में आए खादी धारी। राजनीति में नाम और काम से ज्यादा रुपया बोलता है। वादे और दावों पर खरा उतरने के लिए चाहिए मोटा पैसा। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, एक एक वोट के लिए लाखों खर्च से कोई भी गुरेज नहीं करता और इस भारी भरकम खर्च के लिए आने वाली दौलत को चंदे का नाम दिया जाता है। चुनावी मौसम में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलने के बाद देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां सकते में है। चुनावी चंदे पर देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई सवालों के घेरे में है। अरबों खरबों के चुनावी चंदे पर देश की राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का ढील देने के मूड में नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई हुई। अदालत के संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। इस पर बैंक ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान संवैधानिक पीठ ने एसबीआई को आदेश दिया कि एसबीआई को दो हिस्सों में जानकारी देनी होगी। एसबीआई 12 अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी दे। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और बॉन्ड की कीमत बतानी होगी। इस जानकारी में अल्फा न्यूमेरिक और सीरियल नंबर भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी देने का आदेश दिया। साथ ही एसबीआई को एक एफिडेविट भी दाखिल करने का आदेश दिया गया। एफिडेविट में एसबीआई की तरफ से सारी जानकारी आयोग को सौंप देने की बात लिखी जाए। साथ ही एफिडेविट में लिखा हो कि एसबीआई ने कोई जानकारी नहीं छिपाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई थी तो अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर एसबीआई से सवाल किया था। अपनी सुनवाई में अदालत ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। आपको बता दें कि बॉन्ड के यूनिक नंबर के जरिए ये पता चल सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया और उसे देने वाला शख्स या कंपनी कौन थी। ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई के रवैये पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकार लगाते हुए कहा,
एसबीआई हमसे चाहता है कि हम उसे बताएं कि कौन सी जानकारियां देनी हैं और फिर वो जानकारी देंगे। एसबीआई का रवैया ऐसा ही है, ये ठीक नहीं है। आप सारी जानकारी दीजिए। फैसले से ये स्पष्ट था कि सभी जानकारियों का खुलासा किया जाना चाहिए। कोर्ट के आदेशों पर निर्भर मत रहिए। हमने पिछली सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया था क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करे, सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर चुनाव आयोग को मुहैया कराए, हम ये स्पष्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के बावजूद भी जिस तरीके से एसबीआई बैंक जो कभी एप्लीकेशन एक्सटेंशन की लगाता है और कभी आधी अधूरी जानकारी देता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें किसी ने एप्लीकेशन मूव नहीं किया था। जिस तरीके से एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो एसबीआई, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है या सरकार से संचालित नहीं होता, जिस तरीके का जो कंडक्ट है और जिस तरीके से उनके काउंसिल के द्वारा जो पीआईएल जो की गई थी और पीआईएल पर जो अटैक किया गया, ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि आप कंप्लीट डिटेल फर्निश करने के बाद में एफिडेविट देंगे। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 से कानूनी रूप से लागू भी कर दिया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने बीजेपी की अब झोली भर दी है, जो सामने आया उसके मुताबिक। और अब लोकसभा चुनाव से पहले यही इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद का मुद्दा बन गया है। आइए आपको बताते हैं आखिर चुनावी चंदे पर क्यों घमासान मचा हुआ है, इसे समझिए। देखिए किया क्या गया और किस तरीके से इस पर असर हो रहा है। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने और ब्लैक मनी रोकने के मकसद से यह योजना लाई गई थी। तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यही कहा था। उसके बाद देखिए बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं करने पर विरोध इसको लेकर के तेज हो गया। योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई कब शुरू होती है? ठीक लगभग 1.5-2 साल बाद 2019 में जाकर के ये सुनवाई शुरू होती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR जो है वो 2019 में याचिका दाखिल करता है। इस याचिका में देखिए ADR ने याचिका में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगाने की मांग की थी। सीधा सीधा बैन लगाया जाए ये कहा गया था दलील में। ADR का कहना था ये बॉन्ड चुनावी सुधार की दिशा में गलत कदम है, इससे कोई चुनावी सुधार नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट में मामला 4 साल तक पेंडिंग रहा। और फिर आपको बता दें संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दलीलों को सुना, एक के बाद एक सुनवाई हुई और इसको बहुत गंभीरता से सुना गया। 5 जजेस की ये बेंच है, इसमें DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये शामिल है संवैधानिक बेंच जो कि इस मामले को सुन रही थी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने पूरे मामले में 3 दिनों की सुनवाई की और फिर 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके बाद आपको बता दें 105 दिनों बाद 16 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। आप जानते हैं उस फैसले में क्या था। इस फैसले में कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया, SBI को इस पर एक एक डिटेल साझा करने का आदेश सुनाया, जिसे लेकर SBI को अब 21 मार्च को नया अल्टीमेटम दिया गया है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फटकार के बीच 14 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया था। इस डेटा के सार्वजनिक होने के साथ ही पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि किस कंपनी ने कितने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को कितने रुपए का चंदा मिला। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल जानकारी मौजूद है। वेबसाइट के अनुसार 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं। बीजेपी के अलावा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 1,421.86 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 2019 से 2024 के इन 5 सालों में 65.45 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि कई ऐसे राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं जिसे चुनावी बॉन्ड के जरिए एक भी रुपए का चंदा नहीं मिल पाया है। जानकारी के मुताबिक BSP CPIM को चुनावी बॉन्ड से एक भी रुपया चंदा हासिल नहीं हुआ। चुनावी बॉन्ड के मामले में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर इस बात का भी खुलासा किया गया है कि साल 2019 से 2023 के बीच भारतीय जनता पार्टी को 8 बार एक दिन में 1 अरब या इससे भी ज्यादा का चुनावी चंदा हासिल हुआ। वेबसाइट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के चंदा हासिल करने का आंकड़ा भी पार किया है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में जारी की गई 2 लिस्ट में
इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड किस कंपनी ने खरीदा और किसने इसे कैश कराया, जिसकी वजह से इस बात का भी पता नहीं चल पाया कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक कुछ राजनीतिक पार्टियों ने एसबीआई से बॉन्ड्स के यूनिक नंबर्स मांगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि उसे नंबर्स चाहिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एसबीआई से ऐसी कोई अपील नहीं की है। अब चंदे की डिटेल सामने आने के बाद पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सही ठहरा रहा है, तो विपक्षी पार्टियों ने पूरे मुद्दे को अपना चुनावी हथियार बना लिया। तो ये तो कौन सी नई बात है भाई, ये बीजेपी के हमारे बैलेंस शीट में है, कोई काला धन थोड़ी ना है। ये चेक से लिया हुआ पैसा है, बॉन्ड के दिया हुआ पैसा है, ये हमारे डेटा शीट में है। सवाल तो ये उठता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले चुनाव फाइनेंसिंग कैसे होती है, जरा बताए कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमके, जितनी पार्टियां हैं, ये परिवारवादी, कितना पैसा आता था, कितना आता था पार्टी में, कितना जेब में, ये बताएं ना। काला धन का खेल रोकने के लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश हो सकती है। हमारी मंशा साफ थी, हमेशा मंशा साफ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी करप्शन से बनी हुई पार्टी, भ्रष्टाचार से बनी हुई पार्टी, भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाली पार्टी और भ्रष्टाचारियों के लिए काम करने वाली पार्टी, ये आप भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आईने में देखें तो उनको सिर्फ भ्रष्टाचार देखें और क्या। वो इसे लेकर विपक्ष अनावश्यक रूप से मुद्दे उठा रहा है, सभी राजनीतिक दलों को मिला है, सभी राजनीतिक दलों के चुनावी बांड से पैसे लिए हैं और इसलिए इस पर अनावश्यक रूप से बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी ने जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। चुनावी बॉन्ड है क्या? चुनावी बॉन्ड जो पैसा देता है वो जब अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करता है तो वो दाखिल करता है जो पार्टियों को मिलता है, पार्टी अपना आय व्यय का लेखा जोखा जो प्रस्तुत करते हैं उसमें दाखिल करता है, एक खुलासा होता है। और पार्टियां पहले था कि 1100 ले लिया, सब अपने पास दिखा दिया, 1000 अपने पास रख लिया, तो उस पर रोक लगे, इस नाते लोग परेशान हैं, और कोई बात नहीं है। किस तरीके से रोज रोज इन्फॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे, भारतीय जनता पार्टी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लिस्ट डाल रहा है, डाले ये सारे डोनर हैं, हमें इतना करोड़ रुपया हमें मिला है, केंद्र सरकार क्यों ऐसी स्कीम लेके आई जिससे डोनर के नाम छुपाने पड़ रहे हैं। और जो बड़े आरोप लग रहे हैं वो ये हैं कि जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, जिसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसने अगले ही हफ्ते इतने करोड़ों रुपए के बॉन्ड बनवाए, क्यों बनवाए भाई। तो ये तो हुई राष्ट्रीय दलों की बात, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्षेत्रीय पार्टियां भी चंदे के इस मामले में पीछे नहीं है। वेबसाइट पर साझा की गई जानकारी के अनुसार इन 5 सालों में क्षेत्रीय पार्टियों को भी करोड़ों में चंदा मिला। चुनाव आयोग से मिले डेटा के मुताबिक क्षेत्रीय दलों को अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल 5,221 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिल चुका है। और जारी किए गए डेटा के अनुसार क्षेत्रीय पार्टी को कितना चंदा मिला, आइए एक एक करके बताते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि नंबर 2 पर बीजेपी के बाद कोई पार्टी है तो वो क्षेत्रीय पार्टी ही है, टीएमसी। देखिए कितना चंदा मिला है टीएमसी को, 1,609 करोड़ से ज्यादा का चंदा अकेले तृणमूल कांग्रेस को मिला है। जो चुनावी चंदे से पैसा हासिल करने वाली 22 क्षेत्रीय दलों के कुल चंदे का ये 30% हो जाता है। जी हां, 30% अकेले क्षेत्रीय पार्टियों में टीएमसी को मिला है। इसके बाद देखिए बीआरएस को कितना चंदा मिला, 1,214 करोड़ से ज्यादा का चंदा इन्हें भी मिला। क्षेत्रीय पार्टियों को मिलने वाले चंदे की लिस्ट में दूसरे स्थान पर बीआरएस आती है और बीआरएस को चुनावी बॉन्ड के जरिए इतने रुपए मिल चुके हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर देखिए कौन सी पार्टी आती है, यह है बीजेडी, बीजू जनता दल। बीजू जनता दल को 775 करोड़ से ज्यादा का चंदा अब तक मिल चुका है। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको बता दें दक्षिण से डीएमके का नंबर आता है, 639 करोड़ अब तक इनको भी चंदा मिल चुका है पिछले 5 सालों में चुनावी बॉन्ड के जरिए 639 करोड़ का यह चंदा मिला है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी यानी कि यह जो है
वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, 337 करोड़ का चंदा इनको भी मिल चुका है। न सिर्फ ये बल्कि अभी अभी बीजेपी के सहयोगी बने जो टीडीपी हैं उनको, तेलुगु देशम पार्टी को 218 करोड़ से ज्यादा का चंदा इनको भी मिल चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये चंदा मिला है। इसके अलावा शिवसेना भी इस लिस्ट में शुमार है, 159 करोड़ से ज्यादा का चंदा इनके भी खाते में गया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा कमाई ये भी है इनकी। अब आपको दिखाते हैं, देखिए कुछ पार्टियां की करके दिखाते हैं जिनको कम कम मिला है चंदा। उसमें आरजेडी आती है 73 करोड़ से ज्यादा, 73.5 करोड़। जेडीएस है 43 करोड़ से ज्यादा, एसकेएम है 36 करोड़ से ज्यादा, एनसीपी है 31 करोड़, इनको भी मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कुछ और पार्टियां आती हैं, जनसेना पार्टी ने उनकी भी बात करना जरूरी हो जाता है, ये 21 करोड़ है। फिर एसपी समाजवादी पार्टी 14 करोड़, देखिए 14.05 करोड़ उनको मिला। जेडीयू को 14 करोड़। जेडीयू ने बड़ी दिलचस्प दलील दी कि कौन रख गया इलेक्टोरल बॉन्ड का लिफाफा, हमें पता ही नहीं, आज तक पता ही नहीं चला पार्टी दफ्तर में। बहरहाल जेएमएम देखिए 13 करोड़ से ज्यादा का, 13.5 करोड़ चंदा इनको भी मिल चुका है। साथ ही अकाली दल है उनको भी चंदा मिला है, लेकिन कम है ये राशि, 7.2 करोड़। एआईएडीएमके 6 करोड़। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है 5.5 करोड़ का चंदा इन्हें भी मिला है। अब एसबीआई के अनुसार 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 तक भारत में 3,346 इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 11 दिनों के भीतर खरीदे गए। इसमें से 1,609 बॉन्ड को इनकैश करवाया गया। वहीं 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, और 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18,871 बॉन्ड्स को खरीदा गया। इनमें से अब तक 20,421 बॉन्ड्स को इनकैश भी करवाया जा चुका है। राजनीति के हमास में सभी पार्टियों की हालत एक सी है, जिसका ज्यादा जोर उसे उतना चंदा। लेकिन चुनावी साल में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी तीन मुख्य वजहें। पहला, एडीआर के मुताबिक साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 2555 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। इस साल कांग्रेस को 317 करोड़ रुपए ही मिल पाए। दूसरा, एडीआर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कुल चंदा का 52% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। ये सभी पार्टियों के कुल चंदा के बराबर है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब तक जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। चुनावी साल में लिस्ट सार्वजनिक होने से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। चुनाव में होने वाले खर्चों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ दूसरे दल इनकी काट ढूंढ ही लेते हैं। आपको बता दें कि जब चुनावी बॉन्ड नहीं होते थे तब पार्टियों को चेक से चंदा दिया जाता था। चंदा देने वाले का नाम और रकम की जानकारियां पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी होती थी। लगभग 4 दशक पहले पार्टियों के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी। इस बुक को लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और लोगों से चंदा वसूलते थे। इसके अलावा पार्टियां चुनावों में अंधाधुंध नकदी का भी इस्तेमाल करती रही। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो जाने के बाद पार्टियों के पास और भी रास्ते हैं जहां से वो कमाई कर सकती हैं। इनमें डोनेशन, क्राउड फंडिंग और मेंबरशिप से आने वाली रकम शामिल है। इसके अलावा कॉरपोरेट डोनेशन से भी पार्टियों की कमाई होती है। इसमें बड़े कारोबारी पार्टियों को डोनेशन देते हैं, लेकिन पार्टियों को इन तमाम कमाई का हिसाब किताब रखना और देना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद यही है कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में सब कुछ साफ सुथरा और सटीक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।